Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am going to continue with the accounting equation. Today I will make an accounting equation for you with the help of an example, and we will have some transactions which are to be entered into an accounting equation, and we will see how this accounting equation is balanced. Before entering into the illustration or an example of the accounting equation, let's move on to the definition or a structure of the accounting equation. This is the structure of the accounting equation. As you all know, this is extended or expanded accounting equation. As you know, assets is equal to liabilities plus equity. This is extended form of the accounting equation. और पिछली discussion में मैं आपके साथ ये तय कर आया हूँ कि accounting equation is same as that of the balance sheet or statement of financial position. The whole accounting cycle ends on the statement of financial position, and statement of financial position is same as that of assets is equal to liabilities plus owner's equity. Here owner's equity has been subdivided into two parts. First one is share capital, the second one is retained earnings. Yani equity जो है owner's equity जो है owner का मालिक का business के मालिक का मलकियती हिस्सा business के अंदर, whether it is sole proprietor or it is a partnership or it is a joint stock company, whatsoever it is called owner's equity. इसके दो हिस्से होते हैं. First one is share capital, the second one is retained earnings. If it is single owner business, then it is called owner's capital. If it is a partnership, partnership means there are more than one owners, 2, 3, 4, and it is registered as a partnership firm, then उसमें जो है वो partners capital होता है, partners equity होती है. और अगर ये joint stock company है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है शेयर कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. कैपिटल जो इन्वेस्टेड मनी होता है, जो कि इनिशियली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं, इसको हम अभी डिटेल में डिफाइन कर लेंगे. तो शेयर कैपिटल उस अमाउंट को कहते हैं जो कि इनिशियली इन्वेस्टमेंट की जाती है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट को शेयर कैपिटल कहते हैं. सो एक्विटी, ऑनर्स इक्विटी के दो हिस्से हुए, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स मीन्स के अमाउंट्स जो हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिटेन करके रखती है. और इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ऑल द टर्म्स इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्विटी. लेकिन यह है कि इसमें कुछ टर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इसमें कुछ जो है टर्म्स वो रह गई हैं जिनको डिफाइन करना ज़रूरी है. सो हम उन टर्म्स की तरफ वापस आते हैं जो टर्म्स रह गई हैं. लाइक एक्विटी से स्टार्ट लेते हैं. एक्विटी मींस ये डिफाइन हो चुका है, ओनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट्स. एक्विटी जो होता है वो ओनर का क्लेम होता है टोटल एसेट्स के ऊपर. इट इज़ रेफर्ड टू एज रेजिडुअल एक्विटी. इसके बारे में तफसील से बात हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में. यू कैन सी अकाउंटिंग साइकिल वीडियो नंबर 3. शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स. तो इसके दो हिस्से हुए, ये थोड़ी देर पहले आपके साथ बात हो गई है. तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो एक्विटी को इस वक्त मैं आपके सामने जो है वो थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ. इस स्लाइड के ऊपर देखें तो एक्विटी जो है, ऑनर्स इक्विटी, इट इंक्रीजेस बाय इन्वेस्टमेंट बाय द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स या ऑनर्स जो है अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस एक्विटी में इजाफा हो जाता है. और ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ अर्न करती है, रेवेन्यू अर्न करती है, तो उससे भी एक्विटी में इजाफा हो जाता है. रेवेन्यू के ऑपोजिट एक्सपेंसेस हैं. एक्सपेंसेस से एक्विटी में डिक्रीज हो जाता है. और जैसे इधर चीज़ों को देखें कि इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स यानी ओनर कुछ बिजनेस को देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्विटी में इजाफा हो जाता है. उसके ऑपोजिट क्या है कि अगर ओनर्स बिजनेस में से कुछ निकाल लेते हैं, कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर एसेट, तो ये इट विल कॉज टू डिक्रीज द एक्विटी. सो देर इज़ अ वेरी
would opposite relationship between increases and decreases, and between the the item which causes to increase the equity is called share capital, and the item which causes to decrease the equity is called dividends. So this term is to some extent has been explained what are dividends. So dividends are something that is withdrawn or divided. Dividend, the word is noun from the divide. So it is the net income which is divided among the shareholders or owners is called dividend. अभी आप सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी है कि investment by shareholders causes to increase the equity and dividend causes to decrease the equity. Revenue causes to increase the equity and expenses cause to decrease the equity. So revenues को हम define कर रहे हैं, expenses को define कर रहे हैं. Dividends are the distribution, जैसे कि divide से noun बना dividend. तो dividends are the distribution of cash and or other assets to shareholders. They cause to reduce the retained earnings. तो इस तरीके से ये retained earnings में कमी का बायस बनते हैं. अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ. रिटेन अर्निंग्स के तीन हिस्से हैं. रेवेन्यूज़ जो हैं वो रिटेन अर्निंग्स में इजाफे का बायस बनते हैं. एक्सपेंसेस जो हैं रिटेन अर्निंग्स में कमी का बायस बनते हैं, और डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग्स में कमी का बायस बनती है. तो हमने एक्विटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक वो जो इन्वेस्टमेंट बाय द शेयर होल्डर्स दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल, उसको जुदा रखते हैं, उसको अलहदा रखते हैं, उसको उसकी इम्पोर्टेंस के पेश नज़र और इस बात को मद्देनज़र रखने के लिए कि एक किस खास इन्वेस्टर ने कितना इनिशियली इन्वेस्ट किया है. उसको उसमें मिक्स नहीं करते कि कंपनी ने अर्न कितना किया है. कंपनी ने जो कुछ अर्न किया है, जो कुछ बचाया है, जो कुछ उसके रिजर्व्स में है, जो वो उसकी अर्निंग्स हैं, उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उसके रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, सो इट शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम शेयर कैपिटल. So let's move on to the preparation of the accounting equation. तो ये थोरेटिकल बातें थी. मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि थोरेटिकली चीज़ों को डिफाइन करना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. आई वुड सेपरेटली मेक सम वीडियोस ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 1, 2, 3, 4 एंड देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रेपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना शुरू करते हैं और सबसे ऊपर देखें जो एक क्वेश्चन, उसमें जो आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जो है ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, ट्रांजैक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर आप इसको देख सकते हैं. रोज के अंदर 1, 2, 3, 4 ये हम तकरीबन 10 ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको देखेंगे इस इलस्ट्रेशन के अंदर. तो उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन 1 जो है ये हमारी 1 ये हमारे जो है रोज में लिखी हुई है, और कॉलम्स के अंदर जो है हमारी इक्वेशन लिखी हुई है. इसमें एसेट्स हैं, एसेट्स को एक्सपेंड कर दिया गया है. देर आर डिफरेंट एसेट्स, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाइज, इक्विपमेंट, और देन वी कम ऑन टू द इक्वल टू साइन विच इंक्लूड्स लाइबिलिटीज. अभी सिर्फ एक लाइबिलिटी लिखी है अकाउंट्स पेबल, और उसके बाद फिर एक्विटी सेक्शन है जो हम पिछली स्लाइड में देख आए हैं. इक्विटी सेक्शन इंक्लूड्स शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स. तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर शामिल होंगे रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और डिविडेंड. रेवेन्यू जो है उसका पॉजिटिव साइन होगा, एक्सपेंसेस का नेगेटिव साइन होगा, और डिविडेंड का भी नेगेटिव साइन होगा. तो इस चीज़ को अब हम जो है इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं. जी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रे एंड बारबरा डिसाइडेड टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस विच ही नेम्स सॉफ्टबाइट. तो सॉफ्टबाइट बिजनेस है, वो स्टार्ट करने लगा है अपनी जो है वो मामलात को, बिजनेस को ओनर ने चलाना है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस होंगी सारी की सारी वो बिजनेस के बिहाफ पे होंगी. तो लेट्स सी जो है अब हम इसको प्रैक्टिकल पे एंटर होते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 1 के सामने और कैश के नीचे 15,000 हमने प्लस कर दिया. ठीक है, 15,000 यूरोस जो है वो एसेट्स के अंदर आ गए. और याद रहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि दिस अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेस, तो ये एसेट्स जो हैं बिजनेस के हैं. बिजनेस के ये एसेट्स हैं जिसके अंदर कैश
15,000 ऐड हो गया। और इक्वेशन एज यू नो इक्वेशन नीड्स टू बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स के नीचे कैश 15,000 आ गया और राइट हैंड साइड पे जो है शेयर कैपिटल के नीचे 15,000 आ गया। तो इसमें क्या था, आपने पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है कि ओनर ने दे इन्वेस्टेड 15,000 यूरोस कैश इन एक्सचेंज फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में इस वक्त फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि शेयर कैपिटल की जो है ये टाइप होती है और जो आम तौर पे जो टाइप अवेलेबल होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स और दीज आर द रियल ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई 15,000 यूरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड 15,000 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश। तो बिजनेस जैसे जैसे जो है वो स्टार्ट हुआ, बिजनेस के अंदर ओनर ने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस के पास 15,000 आ गए। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ अपने लिए फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, इक्विपमेंट परचेज करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी एसेट्स होंगे वो परचेज करते चले जाएंगे जिसके ज़रिए उनका बिजनेस चलेगा। सो सॉफ्ट बाइट परचेजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 यूरोस कैश। सो हियर यू सी 7,000 सेकंड ट्रांजैक्शन टू के सामने देखें, सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर 7,000 हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम द कैश अकाउंट एंड 7,000 हैज़ बिन एडेड टू द इक्विपमेंट। तो कंप्यूटर्स जो है कंप्यूटर्स को हम इक्विपमेंट की कैटेगरी में डाल रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है 7,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और कैश जो है 7,000 से डिक्रीज हो गया। सो इक्वेशन जो है वो टैली रही क्योंकि वी हैव वन थिंग जो है 7,000 इंक्रीज इन वन आइटम एंड 7,000 डिक्रीज इन अनदर आइटम। सो ओवरऑल देर इज़ नो इफेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे ज़ीरो इफेक्ट रहा, एक चीज़ 7,000 से ऐड हो गई, एक चीज़ 7,000 से माइनस हो गई। तो इस तरीके से ये इक्वेशन चलती चली जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक और समटाइम्स इक्वेशन में ये वर्जन भी इख्तियार किया जाता है कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन इसमें जो नेट इफेक्ट नेट जो टोटल आता है उसको भी प्लस माइनस करके लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो है ट्रांजैक्शन नंबर टू के बाद इस वक्त हमारे पास कैश जो है 15,000 माइनस 7,000 8,000 आ चुका है। तो यहाँ पे एक और लाइन जो है टू के नीचे इसका वैल्यू लिख दी जाती है। वो मेथड भी ठीक है, उसको भी हम किसी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, लेकिन स्टिल इट्स गुड एज़ वेल। तो थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, परचेज ऑफ सप्लाइज ऑन क्रेडिट। तो एक बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए डे टू डे बिजनेस के लिए कंप्यूटर्स परचेज किए, उसमें कुछ पेपर्स जो है प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अंदर कुछ पेपर्स यूज़ होते हैं, इंक इस्तेमाल होती है। सो पेपर एंड अदर सप्लाइज वर परचेज सो दे वर टू बी लॉस्ट सेवरल मंथ्स। सो द कंपनी परचेज बिजनेस परचेज 16,000 यूरोस सप्लाइज फ्रॉम एक्मे सप्लाई कंपनी। सो लेट्स सी, इसको करने से पहले ट्रांजैक्शन नंबर थ्री को करने से पहले देखें कि ये जो हमने सप्लाइज परचेज की हैं तो ये सप्लाइज एसेट साइड पे जो है 16,000 को ऐड कर देगा। और चूंकि इधर हमने इधर ये देखा कि हमने इस चीज़ को क्रेडिट पे परचेज किया है, सो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल में भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वन इंक्रीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द अदर इंक्रीज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये हमने जो परचेज़ किया सप्लाईज को कैश पे किया या क्रेडिट पे किया। तो अगर हमने इस पे इसको कैश पे किया होता तो नॉर्मली ये अमेरिकन बुक्स के अंदर ये रूटीन है, एक रिवायत है कि अगर कैश पे परचेज़ किया हो तो वर्ड यहाँ पे लिख दिया जाता है कि सॉफ्ट बाइट परचेजेस 1600 यूरोस फ्रॉम कैश, या सॉफ्ट बाइट परचेजेस कंप्यूटर पेपर्स 1600 यूरोस फॉर कैश। तो अगर कैश ट्रांजैक्शन हो
उसमें वाज़े तौर पे लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर कैश ट्रांजैक्शन ना हो तो आपको वाज़े तौर पे बताया जाएगा कि किस से परचेज़ किया गया है, तो आप उसको अकाउंट्स पेबल में ले जाएंगे। यहाँ पे वजाहत की खातिर अलहदा से लिख भी दिया गया है द परचेज इज़ ऑन अकाउंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो मुख्तलिफ़ ट्रांजेक्शन इसमें आती चली जा रही हैं, उसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स ऐड होते चले जा रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजेक्शन नंबर 4। SoftBank receives 1200 euros cash from the customers for programming services it has provided. तो इसमें जो है पहली मरतबा अब हम देखते हैं कि एक्विटी की कोई दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं जो कि रिटेन अर्निंग से रिलेटेड पहली मरतबा आ रही है। एक्विटी की एक ट्रांजेक्शन आ चुकी है शेयर कैपिटल, लेकिन रिटेन अर्निंग्स की पहली ट्रांजेक्शन आ रही है। तो कैश रिसीव किया, कैश के नीचे देखें 1200 जो है वो आपके आपको ऐड हो गया बिकॉज वी हैव रिसीव्ड, कंपनी हैज़ रिसीव 1200 यूरोस कैश, तो कैश के नीचे प्लस 1200 और ये एक रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के नीचे प्लस 1200। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेवेन्यू का जो साइन होगा वो प्लस होगा, एक्सपेंसेस का माइनस होगा और डिविडेंड का भी माइनस होगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द ट्रांजेक्शन नंबर 5, परचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन क्रेडिट। ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अपनी एक जो है एडवर्टाइजिंग की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ये काम दिया कि वो हमारी एडवर्टाइजिंग कर दें। डेली न्यूज़ समझ लें ये कि न्यूज़पेपर है, उनको जो है वो रिसीव्स अ बिल फॉर 250 यूरोस फ्रॉम डेली न्यूज़ फॉर एडवर्टाइजिंग बट पोस्टपोन्स पेमेंट अंटिल अ लेटर डेट। तो बिल रिसीव कर लिया है तो एडवर्टाइजिंग जो करवाई वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, तो एक्सपेंस में हम जो है वो 250 लिख देंगे और चूंकि अभी तक पेमेंट नहीं की सो दैट्स व्हाई वी विल राइट इट ऑन द अकाउंट्स पेबल। सो एक्सपेंसेस आपसे बात हुई कि वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा और जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सेट कर दिए हैं कुछ स्टैंडर्ड्स, और अकाउंट्स पेबल जो है वो प्लस साइन के साथ ही आ रहा है। तो अगेन वही चीज़ के ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वन आइटम इज़ 250 एडिड एंड वन आइटम इज़ 250 माइनस, सो इट विल बी बैलेंस। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।